नमस्कार, आदाब। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल गुरु घंटाल में। दोस्तों, आप लोगों ने कई सारे हथियारों के बारे में सुना होगा, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में सुना होगा, न्यूक्लियर बॉम्ब के बारे में सुना होगा, मगर आज मैं आप लोगों को एक ऐसे हथियार के बारे में बताने जा रहा हूँ जिस हथियार में ना खून बहता है ना हिंसा होती है, मगर आपकी जीत निश्चित होती है। इसका इस्तेमाल सबसे पहले हमारे देश में मोहनदास करमचंद गांधी ने किया था और आजकल अक्सर इसका उपयोग किया जाता है सामने वाले से अपनी बातें मनवाने के लिए, अगर आप सही हैं। दोस्तों, उस हथियार का नाम है सत्याग्रह, जिसका इस्तेमाल बापू ने कई बार हमारे देश में किया, मगर तीन ऐसे सत्याग्रह के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा जिसने पूरे के पूरे भारत की इतिहास को ही बदल कर रख दिया। निकल पड़ते हैं आज के सफ़र पर और जानते हैं उन तीन सत्याग्रहों के बारे में। पहला चंपारण सत्याग्रह, दूसरा अहमदाबाद मिल सत्याग्रह और तीसरा खेड़ा सत्याग्रह। उम्मीद है आप लोगों को कहानी के माध्यम से अपनी हिस्ट्री जानना अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। मैं आप लोगों को कारण बता देता हूँ कि सत्याग्रह करने के पीछे का कारण क्या था। असल में चंपारण में एक प्रथा चलती आ रही थी, तीन कठिया प्रथा, मतलब कि अपने खेत के 3/20 हिस्से में किसानों को नील की खेती करनी पड़ती थी। एक दौर ऐसा आया जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो गया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लग गईं, तो जर्मनी के जो सिंथेटिक नील थे उन्होंने भारत में हाथ से बनने वाले नील को पूरी तरह रिप्लेस कर दिया। तो किसान जो थे वो अंग्रेज़ों से कहते थे कि जब भारत में बने हुए नील, जब हाथ से बने हुए नील की मार्केट में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आप हम लोगों के 3/20 हिस्से में नील की खेती क्यों करवाते हैं। तो अंग्रेज़ कहते थे कि चलो ठीक है, 3/20 हिस्से पर आप नील की खेती मत करो, मगर आप जिस चीज़ की भी खेती करोगे उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। इवन दैट अगर आप खेती नहीं भी करोगे, अगर 3/20 हिस्से में घास भी उगेगी तब भी आपको उस पर कर देना पड़ेगा। कुछ ज़्यादा ज्यादती हो रही थी अंग्रेजों की। तो फिर एंट्री होती है मोहनदास करमचंद गांधी की। दिन था 10 अप्रैल 1917। गांधी जी की ट्रेन पटना पहुंची। राजकुमार शुक्ला उन्हें लेकर सीधा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर गए। और आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और हमारे देश के सबसे बड़े ठग मिस्टर नटवर लाल, दोनों का गांव एक ही है, जियादेई, जो कि बिहार में है। तो दोस्तों, जब राजकुमार शुक्ला गांधी जी को लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर पहुँचे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उन दिनों पटना के बड़े वकीलों में से एक थे और कांग्रेस में सक्रिय भी थे, और वो उस वक्त अपने घर से कहीं बाहर थे और घर के नौकर ये नहीं जानते थे कि गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कौन हैं। तो उन लोगों ने गांधी जी और राजकुमार शुक्ला दोनों को घर में घुसने नहीं दिया। गांधी जी का ईगो हर्ट हो गया। गांधी जी को ये स्थिति काफ़ी अपमानजनक लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। और फिर गांधी जी वहाँ से चुपचाप मुजफ्फरपुर चले गए। 11 से 14 अप्रैल 1917 गांधी जी मुजफ्फरपुर में पहुंचकर मुलाकात करते हैं भगवान दास कृपलानी से, जो कि एक कॉलेज में प्राध्यापक थे। हालांकि जो कृपलानी जी थे वो गांधी जी से पहले से परिचित थे, लेकिन मुजफ्फरपुर में हुई इस मुलाकात ने कृपलानी जी को हमेशा के लिए गांधी जी का बना दिया। हालांकि इसका उन्हें खामियाजा ही भुगतना पड़ा, क्योंकि यहाँ गांधी जी को कॉलेज कैंपस में ठहराने पर विवाद भी हो गया और इसके चलते भगवान दास कृपलानी जी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी। और दोस्तों, गांधी जी ने मुजफ्फरपुर में रहने के दौरान अंग्रेज कमिश्नर मोरशेड से भी मुलाकात की, जिसका रवैया गांधी जी के प्रति बहुत ज़्यादा रूखा था।
मोर्शेड ने चंपारण के डीएम को पत्र लिखकर आग्रह किया कि गांधी जी अगर वहां जाएं तो धारा 144 लगाकर उन्हें रोका जाए, वापस भेज दिया जाए। इसका मतलब है दोस्तों कि अंग्रेज ये चीज़ जानते थे कि वो गलत है और गांधी जी अगर चंपारण पहुंचे तो उन्हें अपनी गलती भी माननी पड़ेगी और तीन कठिया जैसी प्रथा को ख़त्म करना पड़ेगा। इसीलिए मुजफ्फरपुर के कमिश्नर ने चंपारण के डीएम को खत लिखा कि गांधी जी को अंदर आने से रोको अपने शहर में। दोस्तों जिस तरह के घटनाक्रम इन चार दिनों में हुए उससे गांधी जी को यह महसूस होने लगा कि नील का जो मसला है वो गंभीर है। अंग्रेज अफसर इसे न केवल छिपाने का प्रयास कर रहे हैं बल्कि वो चाहते भी नहीं कि गांधी जी चंपारण जाएं। गांधी जी ने इस बीच नील के संबंध में जो जानकारियां हासिल करनी थी उन्होंने वो हासिल की। उन्होंने तय किया कि हर हाल में वो 15 अप्रैल को चंपारण चले जाएंगे। हालात लगने लगे थे कि गांधी जी को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो जब मुजफ्फरपुर से वो रवाना हुए चंपारण के लिए तो उनको छोड़ने के लिए भारी भीड़ उमड़ी। 15 अप्रैल का दिन गांधी जी चंपारण में कदम रखते हैं और मुजफ्फरपुर से चंपारण के बीच में जितने भी स्टेशन थे सब में गांधी जी का स्वागत हुआ। वो मोतिहारी स्टेशन पहुंचे और वहां से सीधे गोरख प्रसाद वकील के घर चले गए। 16 अप्रैल सुबह 10:30 बजे हाथी पर सवार होकर गांधी जी जसौलपट्टी गांव के रास्ते पर निकल पड़े। रास्ते में पड़ने वाले गांव के लोगों से वो मिलते भी जा रहे थे। इसी बीच दरोगा अपनी साइकिल से वहां पहुंचा। उसने गांधी जी से कहा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने उन्हें याद किया है, मतलब कि डीएम ने। गांधी जी ने कहा चलो मैं आता हूँ। उनसे वापस लौटने के लिए कहा गया। डीएम ने गांधी जी से ये कहा कि आप वापस लौट जाइए क्योंकि यहाँ पर धारा 144 लागू हो चुकी है और आपका यहाँ पर घुसना वर्जित है। लेकिन गांधी जी ने कहा कि मैं यहाँ से नहीं लौटूंगा और इस संबंध में उन्होंने चंपारण के डीएम को एक पत्र भी सौंप दिया। 17 अप्रैल का दिन गांधी जी और उनके साथ आए लोग किसानों से मिले। भारी भीड़ गांधी जी से मिलने आई हुई थी। उन्होंने किसानों के बयान दर्ज कराने शुरू किए। शाम को गांधी जी ने डीएम को पत्र भेजा कि अगले दिन वो क्या करने वाले हैं। उन्हें अगले दिन सब डिविजनल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होने का आदेश दिया गया गांधी जी को अगले दिन। तो दिन था 18 अप्रैल। सुबह से ही अदालत में भीड़ जुटने लगी थी। खबर फैलने लगी थी कि गांधी जी को देशद्रोह के इल्ज़ाम में जेल भेजा जा सकता है। भीड़ बुरी तरह बेकाबू हो गई। गांधी जी ने कहा कि मैं अपना मुकदमा खुद लड़ूंगा। तो मजिस्ट्रेट ने उनसे पूछा क्या वो अपना अपराध कबूल करते हैं। तो गांधी जी ने कहा हाँ मैं अपना अपराध कबूल करता हूँ, लेकिन जब तक मैं जो करने आया हूँ वो मैं नहीं कर लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। और दोस्तों हालात ये हो गई कि मजिस्ट्रेट ने खुद मुचलका लेकर गांधी जी को रिहा कर दिया। फिर दोस्तों दिन आता है 19 अप्रैल का। गांधी जी लगातार किसानों से मिल रहे थे, उनके बयान दर्ज कर रहे थे। पूरे देश में अखबार में ये खबर विस्तार से प्रकाशित हुई, असर भी होने लगा और अंग्रेजी हुकूमत हरकत में आ गई। उन्होंने अपने अफसर को ही गांधी जी पर धाराएं लगाने पर रताड़ा, क्योंकि ना ही उनके अफसर गांधी जी पर धाराएं लगाते, ना ही गांधी जी को इतना रिकॉग्निशन मिलता। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज ये चीज़ जान गए थे कि अब गांधी जी नहीं रुकेंगे और चंपारण की जो तीन कठिया प्रथा है वो ख़त्म होकर रहेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं भूल और चूक अंग्रेजों से ही हुई है। 20 अप्रैल का दिन था दोस्तों। गांधी जी पर लगे सारे मुकदमे हटा लिए गए और इस तरह गांधी जी ने अपनी पहली लड़ाई जीती सत्याग्रह के माध्यम से। अंग्रेजी हुकूमत को झुकने के पर विवश कर दिया और बड़े बड़े नेता चंपारण पहुंचने लगे। जो नील प्लांटर थे उनको समझ में आ गया कि अगर गांधी जी चंपारण में टिके रहे तो उनके कारोबार का अंत हो जाएगा। और दोस्तों गांधी जी के प्रति लोगों का समर्थन बढ़ता जा रहा था। वो पूरे के पूरे देश भर के अखबारों में छाए हुए थे और गांधी जी चंपारण में 20 जून तक ठहरे रहे। लगातार किसानों से मिलते रहे, उनकी बातें सुनते रहे। अपार जन समर्थन के बाद सरकार को झुकना पड़ा, सारे मामले की जांच करनी पड़ी,
जाहिर हो गया कि अंग्रेज प्लांटर किसानों का शोषण कर रहे हैं। आखिरकार किसानों के हक में फैसला हुआ, 4 मई 1918 को कानून बना और इस प्रकार चंपारण की जो बदनाम तीन कठिया प्रथा थी उसको पूरी तरह से ख़त्म कर लिया गया। और आप लोगों को जान के अचरज होगा कि करीब करीब 19 लाख से अधिक किसानों के दुख का अंत हुआ और गांधी जी की जीत हुई। मगर ये सिलसिला यहाँ ना रुका, गांधी जी अब बढ़ते हैं अहमदाबाद मिल की तरफ। दोस्तों, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन की शुरुआत मिल मालिकों द्वारा बढ़े हुए प्लेग भत्ते को वापस लेने के विरोध में हुआ। असल में हुआ क्या था कि सन 1917 में अहमदाबाद में प्लेग की बीमारी फैलने के कारण मिल कर्मचारियों को प्लेग बोनस दिया जाता था, लेकिन ठीक उसके एक साल बाद जो मिल मालिक थे उन्होंने उस बोनस को ख़त्म कर दिया, जिससे कि जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया। गांधी जी तक ये बात पहुँची, गांधी जी ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। वो मिल के मजदूरों को मिले और उन्होंने उनसे कहा कि आप शांतिपूर्वक अहिंसात्मक तरीके से हड़ताल पर जाइए। वह 35% बोनस की मांग करने को कहा। गांधी जी ने कहा कि आप 35% प्लेग बोनस की मांग कीजिए, मगर मजदूरों ने कहा कि 50% से कम बर्दाश्त ही नहीं है। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल करने का फैसला लिया और ये गांधी जी का सबसे पहला भूख हड़ताल था आज़ादी के आंदोलन में। और हड़तालों को देखते हुए जो मिल के मालिक थे उन्होंने कहा कि हम 20% भत्ता देने के लिए राजी हैं, मगर जब मजदूरों को गांधी जी का समर्थन मिला तो आंदोलन और भी अधिक सक्रिय हो गया। इस आंदोलन में अंबालाल साराबाई की बहन अनुसुईया बेन ने गांधी जी का साथ दिया और एक दैनिक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया। इस सपोर्ट में, अहमदाबाद मिल के सत्याग्रह के सपोर्ट में मजबूर होकर मिल मालिक मजदूरों से समझौता करने के लिए तैयार हो गए। सारा मामला एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया। ट्रिब्यूनल ने सारे मामले को देखते हुए मजदूरों को 35% भत्ता देने की घोषणा कर दी और जिससे कि पूरी हड़ताल समाप्त हो गई। और ये गांधी जी का लगातार दूसरा आंदोलन था बैक टू बैक, और इससे गांधी जी की पॉपुलैरिटी और उनकी छवि और भी हमारे देश में सक्रिय हो गई। मगर ये यहाँ भी नहीं रुके। अब अगली बारी किसकी आती है? खेड़ा की। दोस्तों, साल था 1918। मोहनदास करमचंद्र गांधी जब अहमदाबाद में मिल मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे प्लेग बोनस वाली, तो उन्हें सूचना मिली कि जो खेड़ा के किसान हैं वो भारी संकट में हैं, क्योंकि उनकी जो फसलें गए वो नष्ट हो गई हैं और फिर भी उनसे जबरदस्ती कर वसूला जा रहा है। विट्ठल भाई पटेल और गांधी जी ने जांच कराई तो पता चला कि किसानों की मांगें सही हैं, कि उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं, अब वो किस बात का कर दें। नियम के मुताबिक उन्हें पूर्ण कर माफ़ी मिलनी चाहिए क्योंकि उनका पूरा का पूरा फसल नष्ट हो चुका है। गांधी जी ने तुरंत खेड़ा का रुख कर लिया। आला रे आला, मोहनदास करमचंद गांधी आला। वहां पहुंचकर पता चला कि पूरे जिले की फसल बर्बाद हो गई है, मगर अंग्रेजी हुकूमत सुनने को तैयार तक नहीं है। तब गांधी जी ने किसानों को सत्याग्रह करने की सलाह दी, साथ ही लोगों से कार्यकर्ता बनने की अपील भी की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मास मूवमेंट इकट्ठा हो पाए। युवा वकील वल्लभ भाई और इंदुलाल याग्रिक सहित कई लोग आगे आए। गांधी जी ने नडियाद में ही खेड़ा सत्याग्रह की घोषणा कर दी कि अब मेरा अगला मिशन क्या है, खेड़ा सत्याग्रह। और गांधी जी ने गाँव वालों को सत्याग्रह का असली अर्थ समझाया। गांधी जी ने गांव वालों को सत्याग्रह का अर्थ समझाते हुए कहा कि सत्य की खातिर आग्रह पूर्वक ना कहना ही सत्याग्रह है। मतलब सत्य की खातिर, जो चीज़ सत्य है उसके खातिर आग्रह पूर्वक ना कहना ही सत्याग्रह है। अहिंसा का नारा देते हुए गांधी जी बोले, मैं आपका जो हक है वो उसको दिलवाऊंगा, पर एक शर्त है। अंग्रेज सरकार भले ही डंडे बरसाए या गोलियां, आप हिंसा नहीं करेंगे। यदि हिंसा हुई तो मैं सत्याग्रह छोड़ दूंगा।
गांधी जी ने इस बात की प्रतिज्ञा दिलवाते हुए कहा कि प्रतिज्ञा तोड़कर मुझे आघात पहुंचाने से अच्छा है रात में आकर मेरी गर्दन काट देना, मगर अहिंसा मत करना। ऐसे लोगों को माफ करने के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, पर प्रतिज्ञा तोड़कर आघात पहुंचाने वालों के लिए माफी नहीं मांग सकता। ये गांधी जी के वचन है। और फिर गांधी जी ने लोगों से प्रतिज्ञा पत्र भरवाए। गांधी जी ने वल्लभ भाई को गांव गांव जाकर प्रतिज्ञा पत्र भरवाने को कहा था। उसमें लिखा था कि हमारे गांव की फसल 4 आने से भी कम हुई है, मतलब कि 1/4 से भी आपकी कम हुई है, इसीलिए सरकार से विनती है कि कर वसूली अगले साल तक स्थगित की जाए। इसके बावजूद, मतलब कि इतना कुछ होने के बावजूद वसूली बंद नहीं की गई, मतलब कि गांधी जी ने प्रतिज्ञा पत्र तक भरवा दिए मगर वसूली बंद नहीं की गई, इसीलिए हम इस वर्ष का पूरा कर अथवा जो बाकी है वो कर नहीं देंगे, पर इसकी वसूली के लिए सरकार जो कानूनी कार्रवाई करनी होगी वो कर सकती है, मगर हम कर नहीं दे पाएंगे। हम इससे होने वाली परेशानी और दुख को सहन करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद गांधी जी ने जब खेड़ा सत्याग्रह किया तो उनकी 4 मांगे थीं जो कि अंग्रेजी हुकूमत को माननी पड़ी। पहला, बाढ़ग्रस्त खेड़ा का राजस्व स्थगित करने का प्रयास निष्फल होने के बाद गांधी जी ने 9 मार्च 1918 को 4 सार्वजनिक मांगे की। पहला, पूरे जिले में राजस्व कर की पूरी रकम स्थगित करने की मांग करना किसानों का हक है, मतलब कि पूरे के पूरे जिले में प्रतिज्ञा पत्र भरवाए गए हैं, 1/4 भी फसल नहीं उगी है तो पूरे के पूरे जिले की कर को माफ कीजिए। दूसरा, हमारी ओर से तैयार आंकड़े स्वीकार ना हो तो पूरे जिले की आधी कर स्थगित रखें, क्योंकि बड़े पैमाने पर फसल चौपट हो गई है। मतलब गांधी जी ये कह रहे थे कि हमने जो आंकड़ा आपको दिया है, अंग्रेजी हुकूमत से कहते हैं कि हमने जो आंकड़ा आपको दिया है, अगर आपको वो आंकड़ा स्वीकार नहीं है तो पूरे जिले की आधी कर स्थगित कर दीजिए। ठीक है, इतना ही नहीं, बढ़ती महंगाई और प्लेग से लोगों की संकट बढ़ रही है, क्योंकि पहली बात महंगाई बढ़ रही है, प्लेग भी बढ़ रहा है, लोगों के पास ना खाने को है ना पीने को है, लोगों की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं और उसके ऊपर भी आप कर मांग रहे हो। तीसरा दोस्तों, कलमबंदी गांव का राजस्व कर पूरा स्थगित करें और कुदरती आफत में सरकार दया दिखाए, मतलब कि ये जो फसलें चौपट हुई हैं ये कुदरती असर है, कम से कम इसके प्रति सरकार दया दिखाए और किसानों का पूरा कर इस साल के लिए माफ करे। महुड़ा का कानून लागू करना स्थगित करें और इसकी जानकारी गांव-गांव में किसानों तक पहुंचाने की व्यवस्था करें, ताकि महुड़ा का उपयोग ना कर सकें, ताकि महुड़ा का उपयोग कर सकें। ये 4 मांगे थी गांधी जी की, जिनको अंग्रेजों को मानना पड़ा और अंग्रेजों को किसानों का कर माफ करना पड़ा। तो ये 3 बैक-टू-बैक विक्ट्री थी महात्मा गांधी की, और इसमें हथियार क्या इस्तेमाल हुआ, सत्याग्रह। पूरे देश ने जाना कि सत्याग्रह का मतलब क्या होता है।